हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? गाइस, जैसे आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल सीरियस कह लो या इन्फॉर्मेटिव कह लो, बट आई एम गोइंग टू शेयर मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा एंड थिंग्स जो कि कुछ डिफरेंट हो सकती थी लाइफ में बट वो नहीं हुई एंड वॉट ऑल हैज़ हेल्प्ड माई डॉग विद हर इलनेस एंड एलिमेंट्स, और अभी तक शी इज़ ऑन दैट ओनली। अभी तक शी इज़ रिकवरिंग एवरी डे। सो येस, आई वॉन्ट टू शेयर दैट एंड आई होप मेरी इस व्लॉग से जिनके पास भी पेट है उनको एक डिफरेंट इंसाइट मिलेगा, एक न्यू चीज़ पता चल सकती है जिससे कि विच दे कैन ऑल्सो ट्राई, एंड मे बी अगर उनका पेट सफ़र कर रहा है या कुछ कर रहा है दे कैन डेफिनेटली ट्राई एंड या कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हैं जिसकी वजह से यू कैन यू नो आप अपने डॉग की लाइफ चेंज कर सकते हो और अपनी भी कर लेते हो। आप बेसिकली जो आप अपनी डॉग की लाइफ चेंज करते हो आप अपनी भी करते हो। तो यस, सो गाइज, जिन चीज़ों के बारे में देखो वो जिसके बारे में बात हो रही है वो तो पीछे सो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट व्लॉग में भी, दिन में इसका सोने का टाइम रहता है। सो दिन में तो ये सोती है महारानी। अगर आपने मेरे व्लॉग्स बाकी नहीं देखे हैं, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द व्लॉग। अगर बाकी के पार्ट्स आपको देखने हैं वो मैं लिंक नीचे डाल दूँगी, आप प्लीज़ देखिए, जिसमें मैंने बताया है, इसके इंट्रोडक्शन सारा दिया है उसमें। शी इज़ अ लासा एब्सोल्यूट ब्रीड एंड हर एज इज़ 15 ईयर्स एंड येस, मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और शेयर करी हैं। बेसिकली अभी तक मैंने फन एलिमेंट ही शेयर करा है, नाउ टुडे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग मोर सीरियस। लेट्स नाउ स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें इसकी मेटिंग करानी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चाहिए था कि हम डॉग, ये शी वॉज थ्री ईयर्स ओल्ड एंड हमें इसकी मेटिंग करानी थी एंड हमने कर भी ली बात, ब्रीडर से बात कर ली थी एंड हम जब इसकी मेटिंग कराने गए तो नहीं हो पाया कुछ। सो बेसिकली मतलब हाइडी वॉज नॉट यू नो वेलकमिंग थिंग्स, सो कहीं ना कहीं वहीं पर ही हमने स्टॉप कर दिया एंड वी वर लाइक वी आर नॉट गोइंग टू फोर्स इट एंड ऑल दैट एंड ठीक है चलो रहने देते हैं कोई बात नहीं। जबकि हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक स्टेप था क्योंकि एक आपके डॉग का एक अंश अगर आपके पास होता है तो बहुत ही अच्छा होता है एंड मोर ओवर एक पेट के लिए भी आई थिंक उसकी जो प्रॉपर एक मदरहुड वाली साइकिल आती है वो इनके बिहेवियर में बहुत हेल्प करती है, नर्चरस कर देती है, केयरिंग बना देती है, क्योंकि जब आप बच्चे देते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा उनका नेचुरली बिहेवियर ऑल्टर होता ही है। सो कहीं ना कहीं चलो वी वर एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट कि ठीक है हाइडी डजेंट वॉन्ट टू डू इट एंड शी इज़ नॉट रेडी, हर बॉडी इज़ नॉट अलाउिंग, उसको नहीं करना है एंड ऑल दैट। तो वी वर लाइक फाइन, वी वेंट अहेड इन लाइफ एंड वी वर लाइक फाइन, नहीं करना नहीं करना। शी वॉज देन 3 years ओल्ड। ओके, सो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे वी वर लेस इन्फॉर्म्ड, मैं मेरा भी फर्स्ट टाइम था व्हेन आई वाज कीपिंग अ डॉग और हमें किसी ने भी नहीं, ब्रीडर तक ने नहीं, डॉक्टर ने नहीं, किसी ने भी ये नहीं बताया कि अगर आपको मेटिंग करानी है तो आप अपने डॉग को 2 दिन के लिए छोड़ भी सकते हो अगर वो उस टाइम नहीं कर रहे हैं तो 2 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए सो दैट डॉग्स एक दूसरे को जान ले, यूज टू हो जाए एंड देन फिर चीज़ें हो जाती हैं अपने आप, थिंग्स डू फॉल इन प्लेस। बट हमें किसी ने ये चीज़ नहीं बताई एंड व्हेन आई केम टू नो इट वॉज टू लेट फॉर हर टू कंसीव, इट वॉज टू लेट फॉर हर टू गिव बेबीज। तो मुझे ये चीज़ बहुत वो लगी कि ये आप इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते हैं, आप इन्फॉर्मेशन दो तो हम उस हिसाब से कर लेंगे चीज़ें लाइफ में, दैट वुड बी आर कॉल। तो एक तो वो चीज़ कि बताया नहीं किसी ने मीटिंग का। द नेक्स्ट थिंग, अब क्या हुआ, मीटिंग नहीं हुई, बेबीज नहीं करे इसने, ये अपना बड़ी हो गई एंड अग्रेशन आ गया इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, पहले से आई थिंक ज़्यादा अग्रेशन आ गया है क्योंकि वही हुआ ना जब आपकी मदरहुड वाली साइकिल पूरी नहीं हुई ना तो आप क्या होते हो, आप अग्रेशन आता है आपकी बॉडी में एंड वही है इंसानों में, फिर भी बोल देते हैं इनमें बोलते ही नहीं है क्या करें। अभी भी अब जैसे एज हो गई अब तो और ज़्यादा मूडी और बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, तो ठीक है दैट इज़ फाइन, आई थिंक विद ह्यूमंस ऑल्सो इट्स द सेम थिंग, बच्चे जैसे बिहेव करने लग जाते हैं और ज़्यादा, सो दैट इज़ फाइन। तो इसकी मीटिंग नहीं हुई, इसके बेबीज नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वी वर नॉर्मल, ओके फाइन, लाइफ चल रही है एंड ऑल दैट। पहले भी कुछ इलनेसेस हुई हैं छोटी मोटी बट वो ठीक हो गई थी, जैसे 9 साल 10 साल की थी एंड
देन वी केम टू नो कि इसकी बॉडी में स्टोन्स फॉर्म हो गए हैं गॉल ब्लैडर में. अनफॉर्चुनेटली आई हैव थ्रोन ऑल द रिपोर्ट्स, वो 4 साल पुरानी रिपोर्ट्स थी, आई हैव थ्रोन ऑल द रिपोर्ट्स बिकॉज मैं हमेशा उसी चीज़ में बिलीव करती हूँ कि मैं रिपोर्ट्स नहीं रखूँगी बिकॉज वो नेगेटिव लाते हैं. चाहे वो इंसान हमारे ब्लड हमारे एक्सरे रिपोर्ट्स हों, चाहे वो कुछ भी हों, तो हम नहीं रखते हैं रिपोर्ट्स से ज़्यादा पुरानी. हम 1 साल पुरानी तक ही रिपोर्ट्स रखते हैं, बाकी वर्बली यू कैन टेल द हिस्ट्री टू द डॉक्टर. सो क्या हुआ, इसका हुआ कि इसके स्टोन्स फॉर्म हो गए. There were like around 7 stones in her gallbladder, जो कि बहुत बड़े बड़े stones थे, और कुछ तो बहुत ही बड़े stones थे. And was falling ill, मतलब उसके पेट में इतना दर्द हो रहा था, that was, आप खुद भी सोच सकते हो जिसके kidney stones या gallbladder stones होते हैं उनके कितना unbearable pain होता है, तो वो इसके भी हो रहा था. And ये body को अपना थोड़ा अजीब अजीब सी shape करती रहती थी because due to pain. So yes, she was under a lot of pain. And अनफॉर्चुनेटली जब हम डॉक्टर के पास भी गए तो उन्होंने यही बोला कि अभी हर एज इज टू मच और इसमें हम सर्जरी तो कर ही नहीं सकते. मतलब द बेस्ट पार्ट वॉज कि सर्जरी करो और रिमूव कर दो स्टोन्स को, बट हम सर्जरी तो कर ही नहीं सकते. तो वी वर लाइक कि अब हम क्या करें. मैंने कहा आप कुछ और बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो होगा लाइफ में सर्जरी के अलावा भी तो कुछ होगा. अब ऐसा नहीं है क्योंकि सर्जरी वॉज अ रिस्क, इट वॉज डू और डाई वाला. तो वो तो मैंने कम्प्लीटली मना कर दिया. मैंने कहा वो तो नहीं होगा, तो आप ये बताओ मेडिसिंस में बताओ कुछ. देन ही वॉज लाइक ओके फाइन, हम मेडिसिंस का देते हैं एंड मेडिसिन से कुछ डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं. सो फाइन, दैट वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग, बट ही सेड कि इट विल टेक अ लॉन्ग लॉन्ग लॉट ऑफ टाइम. आई वॉज लाइक फाइन, सम प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस. आई वॉन्ट कि जो थोड़ा थोड़ा हो बट हो लाइफ में कुछ. सो वी वर ऑन टू मेडिकेशन इसकी चल रही थी. MRI होते थे हर 4th महीने, इसका MRI होता था. तो उसमें हम देखते थे कि कितने स्टोन्स हैं, कितने कम हो गए हैं, कितने डिजोल्व हो गए हैं. तो I still can feel that feeling, पता है, जब मैं जाती थी MRI कराने एंड बिल्कुल ऐसे फिंगर्स क्रॉस होती थी मेरी कि जब, क्योंकि मैं दवाइयाँ दे रही थी इसे सुबह दिन रात एंड एवरीथिंग, तो मेरी बिल्कुल फिंगर्स क्रॉस होती थी. एंड वी वर लाइक कि मैं ये देखती थी कि कुछ एक स्टोन, आधा स्टोन कुछ तो कम हो जाए. तो यस, ऐसा होता था धीरे धीरे. क्या हुआ, एक फर्स्ट टाइम जब करवाया तब तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ा ही नहीं था, वो 2 महीने में ही करवाया था. देन आफ्टर 4 मंथ्स जब करवाया तब जाके दिखा कि हाँ एक स्टोन कम हो गया. ऐसे करके 2 साल लग गए. मतलब शी वॉज 9 years old, शी वॉज 11 जब तक ये ट्रीटमेंट चलता रहा. तो दवाइयाँ चलती रहीं, MRI होते रहे एवरी क्वार्टर, एवरी 5-6 months, ऐसे करके MRI होते रहे. और एक इवेंचुअली दैट डे ऑल्सो केम आफ्टर 18-19 months, इवेंचुअली ऐसा टाइम भी आया वेन हर स्टोन्स वर कम्प्लीटली रिमूव्ड, बिल्कुल 0 stone था. एंड वो जो दवाइयाँ चल रही थी वो टॉनिक्स चल रहे थे बेसिकली, जो एलोपैथी होते थे, 1-2 हिमालय के होते थे जो टॉनिक्स वगैरह आते हैं, तुलसी टॉनिक एंड ऑल दैट फॉर इम्यूनिटी एंड एनीमिया, एनेमिक को ठीक करने के लिए, तो ये सब चल रहे थे. तो इट टुक मी 18-20 months उस रिकवरी में. एंड देन शी वॉज फाइन. एंड देन स्टोन्स की फॉर्म होने की टेंडेंसी होती है, तो बीच बीच में चलो थोड़ी बहुत दवाइयाँ दे रहे थे. तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ टाइम बाद ही व्हेन द स्टोन्स गॉट रिमूव्ड एंड स्टोन्स की दवाइयों के चलते भी क्या हुआ ना, लेकिन धीरे धीरे लीवर बड़ा हो गया, जो और ऑर्गन्स थे उन पे अफेक्ट हुआ उन दवाइयों का, क्योंकि वो बहुत सारी, कुछ एलोपैथी टॉनिक्स थे, कुछ 1-2 ही हर्बल थे, बाकी कुछ एलोपैथी टॉनिक्स थे, तो उनसे भी असर आया इसके गॉल ब्लैडर पे, लीवर पे, पैंक्रिया, इन सब पे असर आया इसका. फिर क्या हुआ, फिर उसको हुआ UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं उसको. फिर उसको कुछ टाइम बाद जब ये ठीक हो चुकी थी, स्टोन ख़त्म हो गए थे 6 महीने, तो उसके 6 महीने के बाद इसको हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. एंड वो जो इन्फेक्शन हुआ ना वो बहुत ही सीवियर हुआ. मतलब शी वॉज ऑलरेडी एट अ वेरी हाई एज इन लाइफ एंड बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन हुआ. एंड ड्यूरिंग दैट इन्फेक्शन ओनली व्हेन आई रेड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स एंड देन व्हेन आई कन्फर्म्ड विद द डॉक्टर ऑल्सो, तो मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने डाला हुआ था कोरा पे, ब्लॉग्स लिखे हुए थे डॉग पर, लोगों ने अपने डॉग्स के बारे में शेयर करा हुआ था कि मेरा डॉग, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो रीडिंग अ लॉट. आई वॉन्टेड टू सेव हर, यू नो, आई वॉन्टेड टू ट्राई एवरीथिंग इन लाइफ. मतलब मुझे ये था कि मैं कोई चीज़ अनटर्न्ड, एक भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं होना चाहिए, आई वॉन्ट टू सेव हर. सो
मैंने क्या करा, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े डिस्पाइट ऑफ गोइंग टू डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग एंड टॉकिंग टू देम, बट आई वांटेड टू गेन सम इनसाइट इनटू इट. सो आई स्टार्टेड रीडिंग बहुत सारे आर्टिकल वेयर एंड आई केम टू नो कि अगर आपका डॉग कंसीव नहीं करता है, या फिर कुछ लोग होते हैं जिनका एक डॉग ने एक बार बेबी प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस कर दिया है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उसको सील करा देते हैं. मतलब या तो वो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना वो रिमूव करवा देते हैं बॉडी में से. तो क्या होता है फीमेल डॉग्स के लिए वो क्या चीज़ हो जाती है, उससे ना आपका जो जो आपका क्या कहते हैं आपका रिस्क है ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो बहुत ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही रिमूव कर देते हो आप, बिकॉज इट्स नॉट ऑफ एनी यूज. तो मैंने जब डॉक्टर से भी पूछा, देन ही सेड कि हाँ ऐसा हो जाता है, ऐसा कर सकते थे. तो आई वॉज लाइक सीरियसली वॉट, मतलब मुझे वही लगा कि मुझे बताया क्यों नहीं गया, मैं रिमूव करवाऊँ नहीं करवाऊँ उसका वो मेरे ऊपर है, बट बता दो, गिव ऑप्शंस, कीप द पर्सन वेल इन्फॉर्म्ड एटलीस्ट. तो मुझे क्या हुआ, मुझे यही हुआ, मैंने कहा मैं रिमूव करा देती तो ये यूटीआई होता नहीं, जो अब इतनी बड़े लेवल पे पहुंच गया है कि बिल्कुल इट्स अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन फॉर हर, शी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, शी इज़ ऑन अ डेथ बेड नाउ. तो मैंने कहा कि मतलब मैं मन में बहुत गुस्सा भी आया, मैं बता नहीं सकती आपको. थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रही हूँ बीच बीच में, बट दैट इज़ फाइन, वो होता ही है. क्योंकि पता नहीं वो फिर उसमें क्या हुआ, उसमें इसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, एक महीना ये बेड पे रही, शी कुंट मूव, शी कुंट डू एनीथिंग. मतलब मैं वॉक के लिए ले जाती थी, वो गिर जाती थी. मतलब मैंने खड़ा करा वॉक करवाने के लिए, इसको गोदी में लेके गई हूँ, वॉक करवाने के लिए खड़ा करा, गिर गई, अपने ऊपर ही कर लिया. दैट वॉज अ वेरी वेरी टफ टाइम इन माई लाइफ. मतलब दो डेढ़ महीना मतलब मैं सोई नहीं थी रात को, क्योंकि इसके लिए फिर डाइपर्स आए, क्योंकि इसकी बॉडी में से डिस्चार्ज हो रहा था, वो डिस्चार्ज इसके पूरे गॉल ब्लैडर में पस भर गया था, पूरा डिस्चार्ज हो रहा है इसके, एंड डिस्चार्ज में ब्लड भी निकल रहा है. तो आई हैड टू क्लीन द डिस्चार्ज, वॉश द एरिया ऑफ लोअर बॉडी का, वॉश द एरिया एंड देन ड्राई इट आउट विद अ ड्रायर, एंड देन आई यूज टू यू नो इसको डाइपर पहनाती थी, बिकॉज लिक नहीं करना था इसको. तो ये क्या करती थी, ये लिक करती थी, डिस्चार्ज होता था ये लिक करती थी. तो हम डॉक्टर ने बोला था कि लिक नहीं करना है तो डाइपर बना देते हैं, डाइपर अब्जॉर्ब करता रहेगा ये. पूरे दिन डिस्चार्ज होता था, पूरे दिन मेडिसिन चल रही थी, एंटीबायोटिक चल रहे हैं इतने, मतलब प्रॉपर ऑगमेंटिन जैसा एंटीबायोटिक एक महीना चला. तो मतलब मैं यही कह रही हूँ कि इतनी दवाइयाँ चल रही थी, एलोपैथी दवाइयाँ एक महीने दो महीने चला दो, इंसान की हालत ख़राब हो जाती है. तो वही इसके केस में भी यही हो रहा था, लीवर जवाब देने वाला था सब कुछ, इतना बॉडी भी ना ऐसे डिके टाइप हो रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा शी वॉज इल, शी कुंट मूव, शी कुंट ईट, ना खा रही थी ना कुछ भी, कुछ नहीं, सिर्फ डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड निकल रहा है. मैं सिरिंज का वो नीडल निकाल के उसमें डाल के खाना देती थी इसे. तो बट वही है, वॉमिट कर देना, डिस्चार्ज हो रहा है पूरे दिन, डाइपर में, डाइपर भी जो नॉर्मल बेबी वाले डाइपर आते हैं उसमें मैं एक होल करती थी जिससे इसकी पूंछ निकलती थी, तो मैं इसको डाइपर बनाती थी. वो पूरे दिन कम से कम 4-6 बार ये चीज़ होती थी, डाइपर चेंज करना, पूरे दिन डिस्चार्ज को साफ करना, वॉश करना, हेयर ड्रायर से ड्राई करना एरिया को, देन डाइपर बनाना 5-6 बार. मतलब इट वॉज लाइक मोर ऑफ अ बिल्कुल बेबी होता है जो छोटा, बिल्कुल वैसा होने लग गया था. बहुत ज़्यादा मैं सो नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी, मैं खुद बुखार में आ गई थी, इतना ज़्यादा ड्रेन हो रही थी. और मैं फिर ये सोच रही, मैंने कहा क्यों नहीं बताया गया यार, ये यूटीआई का क्यों नहीं बताया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या तो सील करा देते हैं या रिमूव करा देते हैं, सो दैट इसको आगे जाके एक फीमेल रिलेटेड इशूज़ जो होते हैं वो ना हो. तो बस फिर वही हुआ, एक महीने डेढ़ महीने इतनी ज़्यादा तबीयत खराब, वेट इसका 4 किलो से 1 किलो रह गया, इतना ज़्यादा बिल्कुल बोनी हो गई बिल्कुल. और डॉक्टर ने भी बेसिकली पता बोल दिया था वैसे कि ये जो ऑगमेंटन है ना दवाई, यही बस ब्रह्मास्त्र है, बाकी तो इसके बाद हमारे पास भी कुछ नहीं है. तो उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए थे वैसे, तो मुझे ऐसा लगता है. और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा वो तो बहुत ज़्यादा मेंटली मैं मतलब मुझे ना खौफ हो गया उस टाइम से. मतलब मेरे लिए तो इतना ज़्यादा खौफ वाला वो टाइम था, वो टाइम अगर आ जाए दोबारा मैं तो, मेरे को खौफ होता है, मुझे नहीं चाहिए वो टाइम. अभी भी जैसा हेडी की थोड़े दिन पहले भी तबीयत खराब हुई है, मतलब मुझे खौफ होता है अब, मैं देख नहीं सकती वो दिन फिर से. सो यस, उसके बाद क्या हुआ, सो द गुड पार्ट वॉज, उसके बाद क्या हुआ, मेरे फादर ने मुझे बताया एक डॉक्टर के बारे में हु इज़ इन टू होम्योपैथी.
वो होम्योपैथी उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी हाई उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी हाइडी के लिए होम्योपैथी के वेटनरी उन्होंने होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ हाइडी के लिए दी. तो क्या हुआ इसका ट्रीटमेंट चला एलोपैथी चल रहा है लाइक 80% अभी एलोपैथी है 20% होम्योपैथी ऐसे ऐसे करके शिफ्ट होता गया ग्राफ 60% एलोपैथी 40% होम्योपैथी शिफ्ट होता गया ग्राफ शिफ्ट उसके बाद 30% एलोपैथी 70% होम्योपैथी. Then there was one time after few months when 100% was homeopathy and allopathy was zero. So homeopathic treatment iske liye has worked the best. Heidi? So she was 11 years old जब मैंने homeopathy 11 और 11 and a half years old जब इसका homeopathy का treatment start करा और होम्योपैथी ट्रीटमेंट से ही इसका काफ़ी क्योर हो गया काफ़ी सारी चीज़ें रिकवर हो गई. वही मेडिसिन चलती रहती है मतलब इट्स बीन 3-4 years नाउ थ्री ईयर्स प्लस हो चुका है आराम से कि जहाँ पे हम होम्योपैथी मेडिसिन ही दे रहे हैं कंटिन्यूसली एंड इसका उसी पे ही हम रिलाई करते हैं ज़्यादा. तो आई एम रियली थैंकफुल टू दैट डॉक्टर जिनकी वजह से ही एक्चुअली गेव हर सेकेंड लाइफ. मैं बिल्कुल ये मानती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल होपलेस हो चुकी थी लाइफ में कि हाइडी का अब कैसे होगा. और जैसे अब इंडिया में क्या है ना इतना ज़्यादा डॉग्स का बहुत ज़्यादा वो हॉस्पिटल या बहुत ज़्यादा डॉक्टर बहुत सारे भी नहीं हैं इतने भी नहीं हैं इतने ऑप्शंस नहीं होते रात को अगर 2 बजे इतना ख़राब हो जाए तो कहाँ जाओगे एंड ऑल दैट एक फियर था वो. तो कहीं ना कहीं मैं तो होपलेस हो गई थी लाइफ में कि अब क्या होगा. दिस डॉक्टर केम एंड ही एक्चुअली क्योर्ड हर. अभी थोड़े दिन पहले का भी मैं बताती हूँ. अभी मैं उस टाइम का तो मैंने चलो मेरा कोई आइडिया नहीं था कि मैं ब्लॉग करूँगी कभी लाइफ में और ऐसे कभी कुछ बताऊँगी. मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को तो पता है सबको ये बात बट अभी ऐसे अब आई एम हैप्पी ऑल्सो कि आई एम शेयरिंग विद यू ऑल पीपल आउट देयर. जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो से आई एम श्योर कि उनको कुछ हेल्प हो सकती है इससे. तो यस अभी भी जैसे अभी थोड़े दिन पहले भी क्या हुआ फिर से इसका यूटीआई का ही हुआ जिससे मैं फिर से डर गई बहुत ज़्यादा एंड देन इसको टिक फीवर हो गया. टिक फीवर भी पता नहीं मुझे बहुत स्केरी लगता है क्योंकि आई हैव सीन डॉग्स गोइंग डाइंग बिकॉज ऑफ टिक फीवर सो मुझे वो भी बहुत स्केरी लगता है. सो कहीं ना कहीं इसको वो दोनों चीज़ें ही एक साथ हो गई जिसकी मैं अभी रिपोर्ट्स आपको दिखाती हूँ. मैं जो रिपोर्ट है वो उसकी तो मैं अभी दिखाती हूँ क्योंकि वो अभी ही हुआ था. तो आई एम गोइंग टू शो यू. अब देखो ये वाली जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट है 3/8/2020 की. ठीक है 3/8/2020 की ये वाली रिपोर्ट है. इसमें आप देखोगे इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़राब हैं बहुत सारी चीज़ें यूटीआई की वजह से ख़राब हैं और टिक फीवर हो गया है. मैं आपको इसका दूसरा शॉट दिखाती हूँ. ये हो गया इसका वो ब्लड काउंट का हो गया एंड पूरा टिक फीवर की वजह से ये सब हो रखा है 3/8/2020 की. और आप ये देखो दूसरी इमेज इसमें उन्होंने मेरे को यही बोला उन डॉक्टर ने कि आप इसको टिक फीवर का करवाओ क्योंकि क्या हुआ था ये खाना बीच में अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं तो मैं वहाँ स्टोरीज में डाल रही थी कि हाइडी की तबीयत ख़राब है अभी एंड शी इज़ हैविंग फीवर एंड शी इज़ नॉट ईटिंग एंड शी इज़ जस्ट वॉमिटिंग एंड फीवर भी फिर एक बार को चला भी गया था बट उसके बाद भी जो उस शी वॉज नॉट रिएक्टिंग एट ऑल शी वॉज जस्ट स्लीपिंग मतलब पूरे पूरे दिन वो सो रही थी तो शी वॉज नॉट एट ऑल रिएक्टिंग. तो उस टाइम पे उन डॉक्टर ने ही मेरे को बोला विच वॉज अ बैंक ऑन टेस्ट लेट मी टेल यू बैंक ऑन था उन्होंने जो बोला वही हुआ. जैसे हमने टिक फीवर का टेस्ट कराया उसमें वो आ गया ये आप देखोगे ये मैंने इमेज डाली है हेमाटोप्रोटोजोअन पैरासाइट एग्जामिनेशन. तो ये एच कैनिस पैरासाइट सीन है जो कि टिक फीवर का पैरासाइट है. पैरासाइट को देख के भी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना. सो ये आप देखोगे अभी का ही है ये 3/8 का. देन आई एम कीपिंग द रिपोर्ट ऑफ ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब हुआ उसके बाद आई एम कीपिंग द रिपोर्ट ऑफ 11/8 मतलब 3/8 को टेस्ट की रिपोर्ट आई है. दवाइयाँ 4 से ऑलमोस्ट लगा लो 3 को रात को दी होगी और 4 को 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10 6-7 days में आई एम कीपिंग द रिपोर्ट नाउ अगेन. दिस इज अ लाइफ प्रूफ कि एक्चुअली होम्योपैथी मेडिसिन से हुआ है क्योर. मैं अपने फ़ोन में देख रही हूँ आपके लिए ये रख रही हूँ. आप देखोगे इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो अभी तक बिल्कुल ब्लैक थी बहुत सारी चीज़ें ब्लैक थी अब थोड़ी कम हो गई हैं ब्लैक में. एंड द नेक्स्ट इमेज दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज आप ऊपर देखोगे 11/8/2020 की हैं ये एंड इसमें आप देखोगे इसमें जो पैरामीटर था वो था हेमाटोप्रोटोजोअन पैरासाइट एग्जामिनेशन एंड ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नो हेमाटोप्रोटोजोअन पैरासाइट वॉज सीन. सो बेसिकली जो टिक फीवर का एच कैनिस
पैरासाइट जो देखा गया था बॉडी में वो अब नहीं था. होम्योपैथी ही यूज करा है इसमें टिक फीवर के लिए और कोई मेडिसिन नहीं करी थी एलोपैथी की. दो ही वॉज सेइंग कि हम देखेंगे मॉनिटर करते हैं कंडीशन को, तो इसके रिपीटेटिव टेस्ट हुए, मतलब आई थिंक 4 टेस्ट तो हुए ही हैं इसके, जिसमें से 2 ब्लड टेस्ट हुए हैं और 4 बार यूरिन टेस्ट हुआ है. तो 4 यूरिन टेस्ट और 2 ब्लड टेस्ट हुए हैं. तो अभी अब यूटीआई का चल रहा है, तो यूरिन का भी इसकी यूटीआई का तो वो जो पिछले किचन 3 साल से जो चल रहा है वो चल ही रहा है. इट्स लाइक कि बिकॉज ऑफ टिक फीवर ना, वो जो यूटीआई आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी ऑलरेडी किसी एलिमेंट से लड़ रही है, किसी बीमारी से लड़ रही है, तो क्या होता है जैसी कोई दूसरी चीज़ आती है ना, तो बस यही होता है. क्योंकि जो टिक फीवर है ना वो क्या करता है, लीवर को फेल करता है. उसका काम है आपकी बॉडी में जाना और लीवर को फेल कर देना. सो बेसिकली वो यही करता है. तो अभी कहते हैं कि अगर टिक फीवर का अगर आपको थोड़े टाइम में अगर आप मॉनिटर नहीं करते हो अपने डॉग का बिहेवियर, तो क्या होता है वो अगर, जैसे मेरा डॉग बहुत सो रहा था, हद से ज़्यादा सो रही थी, तो आई मॉनिटर्ड दैट थिंग कि शी इज स्लीपिंग वे टू मच एंड आई नीड टू सी वॉट इज हैपनिंग नाउ. फीवर नहीं भी है लेकिन कुछ तो है गड़बड़. सो यस, तब देखा कि हाँ टिक फीवर है. तो टिक फीवर भी तभी लंग वो लीवर को फेल करता है जब वो कुछ महीनों तक रहता है बॉडी में, तो वो धीरे धीरे खराब कर देता है बॉडी को. तो इसलिए आपको अपने डॉग के एक तो बिहेवियर को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके पास डॉग है. तो इसका भी यही हुआ, इसका भी यही हुआ, इसका फिर वो टिक फीवर ठीक हो गया. उसके बाद यूटीआई इसका अभी भी आप देख रहे हो जो ब्लैक दिख रहा है आपको, यूटीआई अभी भी था. तो यूटीआई के लिए अभी तक दवाइयाँ चल रही हैं, अभी तक दवाइयाँ चल रही हैं, विच इज़ लाइक वेरी गुड. बिकॉज अब क्या है, अभी टचवुड अभी इसकी तबीयत बेटर है, कुछ ऐसा है नहीं. बट तब भी मैं हमेशा अलर्ट जोन में मैं हमेशा रहती हूँ, क्योंकि यूटीआई के चलते ही इसके पहले जो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हुई है उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया है. मैं उस पीरियड को दोबारा नहीं देखना चाहती लाइफ में, और मैं नहीं चाहती कि लाइफ में किसी भी किसी के भी पेट को ऐसा हो और किसी भी ओनर को ये चीज़ देखनी पड़े. आई वुड प्रे फॉर दैट. क्योंकि जिस दिन देखे गए थे, हाइडी देखे गए थे, उसी दिन मैंने अपने आप से ही प्रॉमिस कर लिया था कि मैं जब भी कभी कुछ भी लाइफ में होगा हाइडी के लिए, तो आई एम गोइंग टू गिव 100% इफ़ आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ हर, आई विल टेक चार्ज ऑफ हर विद फुल ऑनेस्टी. मैं उसको कभी ये नहीं, मैं एक्सक्यूजेस के तले दबकर उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ये मैं नहीं करूँगी. चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका पढ़ाई हो, आई विल नॉट कीप हर सेकेंड एवर इन लाइफ. तो वो मैंने अपने आप से प्रॉमिस करा था एंड आई वॉन्टेड टू स्टिक टू इट. क्योंकि मैं अभी जब इसका ये भी हुआ तो मैं पूरी पूरी मेहनत करती रही, पूरी पूरी रिसर्च करती रही. अभी भी मैं सारी चीज़ें इसकी देखती रहती हूँ कि इसको कुछ हो तो नहीं रहा एंड ऑल दैट. तो वो सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ. तो यस, मतलब इट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क, ऐसा नहीं है. बहुत टफ टाइम था वो, बहुत ज़्यादा टफ. अभी भी इसका चल रहा है यूटीआई का, तो इसका अभी भी इशू है. यूटीआई का इसका अभी भी इशू है, इसका चलता है. बहुत जल्दी इसको इन्फेक्शन पकड़ जाता है. तो अभी तक इसकी होम्योपैथी दवाइयाँ चल रही हैं. तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ मैं, सोता है सारे दिन. आओ इधर, आओ, आ जाओ. तो अभी भी इसका वो रिस्क रहता ही है. तो अभी भी इसकी दवाइयाँ चल रही हैं. बट वही है होम्योपैथी, क्योंकि ये मेरे को एलोपैथी, ये जो मैं जब टेस्ट कराने गई थी ना, तो ये डॉक्टर भी बोलते कि इसका जो यूरिन कल्चर का जो रिपोर्ट आया था वो बहुत अच्छी थी. मतलब इन द सेंस यूरिन कल्चर में क्या होता है, वो बताता है कि कौन से एंटीबायोटिक्स के लिए ना आपके पेट की बॉडी इज़ गुड. मतलब अगर मैं ये एंटीबायोटिक दूँ तो इसकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी. तो उसमें मैंने सॉ ना कि एट दिस एज ऑल्सो हर बॉडी इज़ वेरी रिएक्टिव टू एंटीबॉडीज़, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन. क्योंकि ये होता है कि आपने एंटीबायोटिक्स इतने दिए नहीं है ना लाइफ में, तो इसलिए इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. तो सेंसिटिविटी वॉज टू गुड, सो विच ही वॉज ऑल्सो एस्टॉनिश टू सी कि इतनी सेंसिटिविटी है एक डॉग की जो कि 15 साल का है. सो येस, दैट वॉज अ वेरी वेरी गुड थिंग. आई एम गोइंग टू कीप द लिंक ऑफ द डॉक्टर, उनका जो अपॉइंटमेंट बुक करने का होता है वो वाला लिंक मैं ढूंढ के नीचे रख दूंगी. नीचे आई एम गोइंग टू कीप दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं. दिल्ली में है ये डॉक्टर, सो आप देख सकते हैं. बाकी येस, डेफिनेटली थिंग्स हैव चेंज्ड सो मच. अदरवाइज वही है, वो एलोपैथी के चलते तो वो तो 3 साल पहले ही शी वुड हैव लेफ्ट मी, शी वुड हैव गॉन फॉर एवर. सो येस, कहीं ना कहीं होम्योपैथी हैज़ हेल्प्ड अ लॉट when it comes to her illness, ailment and everything. So yes. बाकी मैं कभी कभार इसको वो हिमालय का तुलसी दे देती हूँ. उस वो तुलसी इज़ वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी. तो हिमालय का तुलसी मैं इसको दे देती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है वैसे. इट्स लाइक अ सप्लीमेंट, वो इम्यूनिटी में हेल्प करता है. तो हिमालय का तुलसी भी दे सकते हैं.
इसको मैं इधर लेकर आई हूँ टू से बाय एंड एवरीथिंग, और सो वही है। एंड इन डॉक्टर के पास आपको अपने डॉग को नहीं लेके जाना होता है, आपको बस अपनी रिपोर्ट भेजनी है एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन हैव अ कंसल्टेशन विद हिम, यू कैन गो एंड कंसल्ट हिम, बट डॉग्स को नहीं ले जाना होता है क्योंकि इज मोर ऑफ अ नॉर्मल जो ह्यूमन का मैं होम्योपैथी करते हैं वो वाले हैं, बट येस ही इज़ वेरी गुड विद वेटनरी एज वेल, सो आप वो करें। एंड देखो इसको नींद आ रही है तो कैसे कर रही है ये, बाय कर दो आप, आपको तो बस जाना है, बाय कर दो आप। नीनू आ रहा है, बाय कर दो आप, बाय कर दो आप, बाय करके फिर सो जाओ, जाओ जाओ, बाय कर दो, बाय कर दो आप जाओ, बाय कर दो। आए हाय, तो बिल्कुल गिर ही जा रही है ये देखो सर ऐसे, इसका सर ऐसे टॉर्चर हो गया इस पर, ये देखो ओहो, जाओ बेटा यार, सो गई है ये देखो, सो गई है। सो गाइज वही यही था, एंड दिस हैज बीन माई जर्नी, देर वर सम लर्निंग्स एज वेल, बट वही होता है लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड आई हैव लर्नड क्वाइट अ लॉट, एंड आई जस्ट वॉन्टेड, और मैं चाहती थी कि मैं इस चीज़ को बोलूँ, क्योंकि जैसे मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स को तो मैं बोलती ही हूँ, सो मैं चाहती थी कि अब ठीक है, अब मैं व्लॉग ऐसे बना रही हूँ हाइडी का, सो आई थॉट टू कवर दिस थिंग एज वेल एंड शेयर विद यू, एंड आई होप, एंड आई होप आपको इस इन्फॉर्मेशन से कुछ हेल्प हो। सो येस इट्स इट इज़ वेरी वेरी क्रूशल कि आप अपने डॉग का ध्यान रखो और सब कुछ है, सो येस कहीं ना कहीं आई रियली थैंक द ट्रीटमेंट, होम्योपैथी ट्रीटमेंट फॉर हर सर्वाइवल, अगर ये आज मेरे साथ है तो आई थिंक उसी की वजह से है, अदरवाइज तो बाकी सब जगहों तो हाथ जोड़ लिए थे कि नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो येस कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट डॉग के लिए भी कर सकते हैं यूज़, आई नेवर न्यू दैट, आई वॉज जस्ट सो न्यू टू इट, एंड कहीं ना कहीं मन में एक ना टेंशन भी थी कि मैं करूँ नहीं करूँ होम्योपैथी, तो इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, शुड आई गो फॉर इट और नॉट, बट वही है जब आपको कुछ दिखता ही नहीं है तो आप सोचते हो कि ठीक है यार, जब सब कुछ कर लिया ये भी कर लेते हैं टाइप, तो इट्स लाइक दिस। सो कहीं ना कहीं दैट हेल्प, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी कि फाइनली वी मेट अ पर्सन लाइक दैट, और जिन्होंने हेल्प कर दिया एंड ऑल दैट। सो येस एक होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी होता है डॉग्स का, तो अगर आपको भी करना है तो आप गूगल करके अपने आसपास किसी डॉक्टर को देख सकते हैं, नहीं तो अगर आप दिल्ली में हैं तो आप इनसे भी अपॉइंटमेंट लेके इनके टाइम जैसे जब भी जो परमिट करते हैं आप उस हिसाब से आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक यू कैन डू दैट, जाओ आप वहाँ चले जाओ, वो भी कर सकते हैं। सो येस, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो आपको हेल्प करे इन सम वे और दी अदर, और अगर आपका पेट सफ़र कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, जस्ट प्लीज़ ट्राई फॉर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आस पास, एंड आई होप सब सही हो जाए, एंड पीपल हु डोंट हैव अ पेट प्लीज़ शेयर इट विद दोज पीपल हु हैव अ पेट एंड हु लव्स डॉग्स, तो उन लोगों से प्लीज़ शेयर करें, दैट आई थिंक एक शेयर अगर आप कर देंगे तो दैट विल एक्चुअली बेनिफिट अ लॉट ऑफ पीपल। ये मेरा 15 साल का ये एक्सपीरियंस है, और जिसको मैंने अभी कुछ मिनटों की वीडियो में डाला है, एंड आई होप कि लोगों को इससे हेल्प हो। अगर आप किसी को भी जानते हैं जिसके पास डॉग है, डॉग लवर्स हैं, देन आप उनको शेयर करें, सो दैट करना नहीं करना अपने ऊपर होता है, बट एक इन्फॉर्मेशन होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, सो आप प्लीज़ शेयर करें, आई एम होपिंग कि शायद उनको भी कुछ बेनिफिट हो पाए इससे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप मेरे इस व्लॉग से किसी को हेल्प हो। एंड हाइडी क्या करो बेटू, चाट रही है, प्यार करती है, इसको पता है इसके बारे में बात होती है। सो प्लीज स्प्रेड द मैसेज, एंड हाइडी व्लॉग सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी थी जिसका ये 4th पार्ट है, अब ये इससे ही मैं अब इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पूरे व्लॉग की सीरीज अच्छी लगी हो, अगर आपने व्लॉग अभी तक नहीं देखा है आई एम गोइंग टू कीप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ आप उसको देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय हाइडी, बाय कर दो, करने दो, बाय।